दोस्तों, सालों के इंतजार के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर श्री राम मंदिर की प्रतिष्ठा होने वाली है। मंदिर निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। राम मंदिर में देश विदेश से अलग अलग रूपों में योगदान आए हैं। और दोस्तों, जैसे जैसे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे कई हैरान करने वाली चीज सामने आ रही है। गुजरात से 5500 किलो का ध्वज दंड अयोध्या पहुंच गया है, जो इतना ज्यादा बड़ा है कि एक ट्रक में लाया गया है, जिसकी तस्वीर सामने आने के बाद पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। इसके अलावा गुजरात से 600 किलो का नगाड़ा पहुंचा है, जिस पर सोने की परत छड़ी हुई है। 2400 किलो का एक घंटा भी पहुंचा है, जिसको प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर में बजाया जाएगा। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात है कि आखिर इतने बड़े घंटे को कारीगरों ने कैसे बनाया होगा। इसके अलावा आप जानकर चौंक जाएंगे कि 108 लंबी अगरबत्ती गुजरात से अयोध्या पहुंची है। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा ताला भी बनाया गया है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में राम मंदिर की उन खासियतों के बारे में बात करने वाले हैं जो इसे दुनिया में सबसे खास बनाती हैं। तो बस जानने के लिए बने रहे हमारे साथ वीडियो में एंड तक। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर पूरे देश के राम भक्तों में उत्साह है। दोस्तों, आपको बता दें कि भगवान श्री राम मंदिर में 44 फीट ऊंचा ध्वज दंड लगेगा। ये ध्वज दंड मंदिर के शिखर में लगेगा। इसका वजन 5.5 टन बताया जा रहा है। इसे गुजरात के अहमदाबाद से लाया गया है। इसके अलावा 20-20 फीट के 6 ध्वज दंड लाए गए हैं। इनका वजन 700 किलोग्राम है। सभी ध्वज दंड मंदिर में लगेंगे। अहमदाबाद से इन ध्वज दंड को लेकर पहुंचे इंजीनियर के अनुसार, ध्वज दंड का निर्माण 8 महीने पहले शुरू हुआ था। 5 जनवरी को गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने इसे अयोध्या के लिए रवाना किया। बताया जा रहा है कि सबसे बड़ा ध्वज दंड शिखर से दिखेगा। उसके अलावा 6 अन्य मंदिरों के परकोटे में स्थापित किए जाएंगे। राम मंदिर के शिखर की ऊंचाई 161 फीट होगी। दोस्तों, हर राम भक्त के मन में यह लालसा है कि वह अयोध्या में बन रहे रामलला के भव्य मंदिर निर्माण में कुछ ना कुछ अर्पित किया जाए। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए उज्जैन के उन्हेल रोड पर ग्राम सोंडग में 51 किलो की बड़ी अगरबत्ती बनाई गई है। इसका निर्माण गाय के गोबर, गाय के घी, चंदन, गूगल फूलों व अन्य सुगंधित पदार्थों के प्रयोग से महिला कारीगरों द्वारा किया गया है। इस अगरबत्ती को प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन उज्जैन माँ शिप्रा नदी के रामघाट पर प्रज्वलित किया जाएगा। पर्यावरण को बचाने के लिए हर कोई पौधे लगता है। अर्पिता सिकवार ने बताया कि सनातन धर्म की सबसे बड़ी पहचान अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण किया जा रहा है, जिसका विधिवत लोकार्पण उद्घाटन 22 जनवरी को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश के प्रमुख साधु संतों, गणमान्यों की उपस्थिति में किया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में प्रत्येक सनातन प्रेमी स्वेच्छा व सामर्थ्य के अनुसार अपना योगदान दे रहा है। इसी कड़ी डी रेढ़ी में उज्जैन स्थित विधि अगरबत्ती प्रोडक्टर्स भी अपना योगदान दे रहा है। दोस्तों, अगरबत्ती के अलावा राम मंदिर के लिए ऐठा परिसर में बना 21 क्विंटल का घंटा भी अयोध्या पहुंच गया है। दावा किया जा रहा है कि यह देश का सबसे बड़ा घंटा है, जिसकी लागत 25 लाख रुपए है। इसे बनाने में 400 कर्मचारी लगे थे। इस घंटे की चौड़ाई 15 फुट और अंदर की चौड़ाई 5 फुट है। इसे बनाने में 1 साल का समय लगा है। दोस्तों, रामलला के मंदिर में सोने के 14 दरवाजे हैं। सबसे पहले उन दरवाजा की बात करते हैं जिनसे होते हुए राम भक्त इस मंदिर में प्रवेश करेंगे। जानकारी के मुताबिक राम मंदिर में जो 14 दरवाजे लगे हैं, उन सभी पर सोने की मोटी परत लगी है। लोगों को सोने से चमचमाते हुए यह दरवाजे नजर आएंगे, यानी कि सोने से चमकते हुए इन दरवाजों से लोगों का स्वागत किया जाएगा। यह दरवाजे अंदर से कई सालों तक चलने वाली सागौन की लकड़ी से बने हुए हैं। इनके बाहर जो कलाकारी हुई है, वह पूरी तरह से सोने की है। इन पर हाथी, शंख चक्र और गधे जैसे चित्र बने हैं। सोने से जुड़े दरवाजे मंदिर के गर्भगृह में होंगे। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक रामलला को 108 सोने के सिक्कों से बना हार पहनाया जाएगा। इसके अलावा रामलला की चरण पादुकाएं भी सोने की होगी। इनमें चांदी और सोने का काम किया हुआ है। चरण पादुकाओं का वजन करीब 1 किलो होगा। रामलला जिस सिंहासन पर विराजमान होंगे, उस पर भी सोने की परत चढ़ाने की बात सामने आई थी। यह करीब 8 फुट लंबा होगा। इसके अलावा मुकुट से लेकर तमाम तरह की जेवरात भी सोने के होंगे। मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम की जो मूर्ति स्थापित होगी, वह उनके बाल रूप की होगी। पटना के महावीर ट्रस्ट ने ऐलान किया है कि वो रामलला के लिए सोने से बने धनुष और बाण भेंट करेंगे। इसके अलावा देश भर से लोग अलग अलग तरह की सोने और चांदी की चीजें राम मंदिर के लिए भेंट कर रहे हैं। अगर बात करें भगवान श्री राम के सिंहासन की, तो इसे राजस्थान के कारीगरों ने बनाया है। साथ ही इसके मुख्य ध्वज स्तंभ को गुजरात में बनाया गया है।
मंदिर के निर्माण में लगे हर पत्थर पर श्री राम लिखा गया है। श्री राम की मूर्ति बनाने के लिए 2003 की शुरुआत में नेपाल से खास शालिग्राम के पत्थर लाए गए। दोस्तों, 1100 किलो का दीपक जल्द अयोध्या राम मंदिर पहुंचेगा, जहां इसे स्थापित किया जाएगा। दीपक में 501 किलो घी डालकर जलाया जाएगा। इसके बाद यह एक महीने से ज्यादा समय तक जलेगा। गुजरात के बड़ोदरा के रहने वाले राम भक्त अरविंद भाई पटेल पेशे से किसान हैं। उन्होंने 1100 किलो का दीपक बनवाया है। 7 जनवरी को इसे एक ट्रक में रखकर रवाना किया गया था। दोस्तों, अयोध्या के राम मंदिर में लगने वाले मुख्य घंटे को तमिलनाडु के रामेश्वर में तैयार करके लाया गया है। बड़े आकार के इस घंटे का वजन लगभग 600 किलो से ज्यादा का है। जल्द ही इसे मंदिर में लगा दिया जाएगा। अयोध्या की कार्यशाला में इस घंटे को लोगों के दर्शन के लिए रखा गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि 9 देशों का समय बताने वाली घड़ी भेंट की है। निमेन चौराहे के पास फुटपाथ पर लहसुन बेचने वाले अनिल साहू ने एक ऐसी घड़ी बनाई जो एक साथ 9 देश का समय बताती है। श्री राम मंदिर में लगाने के लिए मंदिर ट्रस्ट को घड़ी भेंट की गई है। गुजरात ने दरियापुर में अखिल भारतीय दबगढ़ समाज द्वारा तैयार किया गया एक नगाड़ा भी भेजा है। मंदिर के प्रांगण में सोने की परत चढ़ा ये 56 इंच का नगाड़ा स्थापित किया जाएगा। देश के प्रमुख कपड़ा केंद्र गुजरात के सूरत शहर में तैयार की गई एक विशेष साड़ी मंदिर अधिकारियों को भेजी जाएगी। इसमें भगवान राम और अयोध्या मंदिर की तस्वीरों वाली साड़ी भगवान राम की पत्नी सीता के लिए है, जिन्हें आदरपूर्वक माँ जानकी के नाम से जाना जाता है। और इसका पहला टुकड़ा रविवार को सूरत के एक मंदिर में चढ़ाया गया। सूरत के ही एक हीरा व्यापारी ने 5000 अमेरिकी डायमंड और 2 किलो चांदी का उपयोग करके राम मंदिर की थीम पर एक हार बनाया है। 40 कारीगरों ने 35 दिनों में डिजाइन पूरा किया और हार को राम मंदिर ट्रस्ट को उपहार में दिया गया है। दोस्तों, तैयारियां चरम पर हैं। सुरक्षा व्यवस्था से लेकर श्रद्धालुओं की सुविधा, हर चीज पर विशेष नजर है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से देश भर में निमंत्रण भेजे गए हैं। इस उत्सव में सम्मिलित होने वाले सभी अतिथियों को विशेष उपहार दिए जाएंगे। मंदिर ट्रस्ट की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, नींव की खुदाई के दौरान निकाली गई राम जन्मभूमि की मिट्टी को डिब्बों में पैक कर 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने वाले मेहमानों को भेंट किया जाएगा। जबकि पीएम मोदी को झूठ के थैले में पैक की गई राम मंदिर की 15 मीटर की तस्वीर भेंट की जाएगी। ट्रस्ट के सदस्य का कहना है कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में 11,000 से अधिक मेहमानों और आमंत्रित लोगों को यादगार उपहार देने की तैयारी चल रही है। मेहमानों को प्रसाद के तौर पर राम जन्मभूमि की मिट्टी के अलावा देसी घी से बने 100 ग्राम मोतीचूर के लड्डू भी देने की व्यवस्था की गई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 22 जनवरी को राम मंदिर आने वाले सभी राम भक्तों को देवराहा बाबा की तरफ से ये प्रसाद बांटा जाएगा। तो दोस्तों, ये थी प्रभु श्री राम मंदिर की कुछ खासियत। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और कमेंट में लिखें जय श्री राम।